जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल डंग ग्रुप पे। बार बार सवाल आता है कि अगर किसी की हथेली में स्पष्ट क्रॉस का साइन है तो अपने कार्य के लिए किस क्षेत्र का चयन उन्हें करना चाहिए, किस क्षेत्र में उन्हें सुस्पष्ट सफलता मिलेगी और बेहतर करियर के ऑप्शन बनेंगे। तो देखो, जो भी ऐसे लोग होते हैं वो थोड़ी चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे लोग कहीं भी एक जगह बैठ के और पूरी ज़िंदगी निकालते ये तो संभव ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे भी अगर किसी एक जगह बंधुआ मजदूर की तरह अगर इनसे काम करवा लेना चाहोगे तो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अलहर प्रवृत्ति के थोड़े से होते हैं, खुले खुले होते हैं और चीज़ों में बदलाव इन्हें हमेशा चाहिए होता है। बदल बदल के चीज़ें करना, अपनी दिल की बात मानना, कभी भी इस तरीके से नहीं देखना कि वहाँ से फायदा आ रहा है तो चलो थोड़ा मन महसूस के भी काम कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें इनके जीवन में अमूमन बहुत कम आती है। ये हमेशा जिंदा दिल एवरग्रीन होते हैं और जिंदा दिल की तरह जीना चाहते हैं। पैसे थोड़े अगर कहीं से कम भी आ रहे हैं, सुकून का अगर बेहतर स्थिति है तो उसे पाना चाहेंगे। शुरुआत में पैसों की तरफ भागेंगे लेकिन जो जो परिपक्व होते जाते हैं उसके बाद इस सुकून को खोजना प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा हमेशा कुछ रोमांचक, कुछ जुनूनी करने के प्रति ये काफ़ी आकर्षित होते हैं। वैसी सारी चीज़ें हमेशा करना चाहते हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ नया हमेशा सीखने को हो, हमेशा कुछ नया रोमांच का मौका मिले, हमेशा कुछ चैलेंजेस मिले और इस तरीके की खासकर जिसमें साहस पराक्रम हम दिखा पाएँ, जो अमूमन दुनिया के बहुत कम लोग करते हैं, वैसी कुछ कुछ नायाब चीज़ें हम करें, नायाब खोज करें, नायाब चीज़ों को जाने, मतलब एक तरीके से बगुलों के बीच में हंस के जैसे दिखने की एक चाहत इनके अंदर काफ़ी कुलाचे मारती है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। मोस्टली अगर फिजिकल वर्क कहिएगा तो फिजिकल वर्क के करने में थोड़े से वीक होते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेंटली यानी कि मानसिक तौर पे ये काफ़ी तेज तरार होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कर पाने में सक्षम होते हैं। तो जो भी मानसिक कार्य होता है, खासकर आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड देख लो, इसके अलावा संगीत वगैरह की तरफ इनकी अच्छी खासी रुचि होती है, इंटरटेनमेंट से जुड़े कार्यों में ये अच्छा कर लेंगे, यानी कि कागज़ कलम से रिलेटेड जो भी कार्य है, लिखा पढ़ी वगैरह और चीज़ों को समझना, गुड विज्ञान के प्रति नज़रिया, दार्शनिक, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे विचारक, इन सब चीज़ों के प्रति ये बेहतर झुकाव रखते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में ये आपको देखने को मिल जाएंगे हमेशा। लेकिन कोई अगर कुछ भारी उठाना करना यानी फिजिकल वर्क तो उसमें ये आपको काफ़ी कमज़ोर मिलेंगे। ब्रोकरिंग ये काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके शेयर बाजार ले लो, इसके अलावा ब्याज का काम और लैंड रिलेटेड, इसके अलावा जो भी ब्रोकरिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं उसमें अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। और स्टार्टअप, नई स्टार्टअप वगैरह की तरफ ये बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके लिए शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा कठिन साधना की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक जगह खुद को रोक के रखना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। जहाँ भी जाएंगे ना, शुरुआत में चाहेंगे कि जाएँ और सफलता पलक पावड़ी बिछा के बैठी रहे और हमारी तरफ आती चली जाए, क्योंकि आइडियाज़ इनके पास अच्छे खासे होते हैं लेकिन कई बार आप उसे एग्जैक्ट उतार नहीं पाते ज़मीन पर उस तरीके से, और चीज़ें आपके हिसाब से तो चलेंगी नहीं, और आपकी ख्वाहिशें बहुत ही ज़बरदस्त होती है और आशा आपके अंदर इतना होता है कि जब भी कुछ नया करने जाते हो ना तो आपको उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखते हैं, निगेटिव पॉइंट्स आप देखते ही नहीं या आपको समझ ही नहीं आती, लेकिन जब वो आप करने लगते हो, ज़मीन पर वो चीज़ें धरातल पर उतर जाती है और जब उसके निगेटिव पॉइंट्स आपकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस में किसी भी कार्य में शुरुआत में वही आते हैं, तो वहीं पे आप हड़बड़ा जाते हो, वहीं पे आप गिरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप शुरुआत में कहीं से भी आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके साथ चीज़ें इतनी निगेटिव जाएंगी और वो थोड़ा सा लंबा पीरियड खींचते तो आपको निराशा की तरफ ले जाती है और फिर आप नए क्षेत्र की तरफ अपना झुकाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं, नई चीज़ों को सर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ भी आपकी वही हालत होती है, फिर से आप जोश में आ जाते हैं और पुराना इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं छोड़ के या और घाटा सह के और नई चीज़ों की तरफ फिर से इन्वेस्टमेंट करना या उसकी तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको चाहिए होता है कि वहाँ पर रुक जाना और अड़ जाना, क्योंकि जब आप अड़ जाते हैं तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी मुश्किल होती है ये होती है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद, खासकर जो आपको पसंद है, जो काम आपके लिए काम नहीं है यानी कि खेल है, आनंद है, जब उस कार्यों को करके आप सफलता प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं तो थोड़ी सफलता मिलने के पश्चात ही आप फिर से आलस्य आपको घेर लेती है, आप आलस्य के शिकार हो जाते हैं और आपका जीवन, जो ख्याति मिली है, जो सफलता मिली है उसे संभाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, उसमें निरंतरता का अभाव हो जाता है, तो क्योंकि आप मेहनत में कहीं ना कहीं पीछे हटना शुरू कर देते हो, तो उस मेहनत के प्रति आपको उतनी ही ऊर्जा, इनफैक्ट कि जितना सफलता मिली ना और ज़्यादा मेहनत करते चले जाओ
तब जाके वो चीजें आपको उसी हिसाब से आगे की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि नेम फेम वगैरह जैसी चीजें आपके जीवन में आनी ही आनी है। गुड विज्ञान की चीजें, तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह जैसी चीजें, ये सब भी आपके जीवन में आनी ही आनी है। वैराग्य की तरफ जाने की एक भावना आपके जीवन के, खासकर 22 साल की उम्र में, इसके अलावा 28-29 वर्ष की उम्र में, इसके अलावा 34 वर्ष की उम्र में, इसके अलावा 38 वर्ष की उम्र में, 40, 42, 46 ऐसी आती ही रहेंगी। साल में कम से कम 2-3 महीने आप ऐसा ही सोचो कि मैं साधु बन जाता हूँ या कुछ सांसारिक चीज़ों से विरक्ति ले लेनी है, क्योंकि आप स्थिर मानसिकता के होते नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इसके अलावा राजनीति के बारे में आपकी समझ बहुत ही गहरी होती है, ऐसा आपको हमेशा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ है भी कुछ नहीं भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनली आप उसकी तरफ जाते नहीं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं उसमें जाएंगे तो पता नहीं कितनी देर से मिलेंगी चीज़ें, और आपके पास समय का अभाव होता है, और इसी अभाव के कारण एक दिन जिंदगी का स्वभाव बदल जाता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। और भी बहुत कुछ है, मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ और नई चीज़ों के साथ।